नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं रिपेयर मोबाइल टिप्स। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक वो सेट आया वीवो का, इसका मॉडल नंबर Y12 है, जो इसमें आप दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लोगों का पैटर्न लॉक लगा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, आप बिना फ्लैशिंग करके भी इस पैटर्न लॉक का बड़ी ही आसानी से खुद से इसका लॉक जो है वो तोड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको आपका इसका फुल हार्ड रिसेट कैसे करना है और इसका पैटर्न जो लॉक है वो लॉक टू कैसे तोड़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों हम लोगों को वीवो सेट का इसका हार्ड रिसेट करके दिखाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का सेट को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं ऑन ऑफ बटन और हम लोगों का जो वॉल्यूम प्लस है वो दोनों एक साथ को दबा के रखना है। जब तक हम लोग सेट ऑन नहीं होता दोस्तों, तब तक दबा के रखना है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों का सेट ऑन हो चुका है। अब इसमें रिबूट का ऑप्शन दे रहा है, हम लोगों को नीचे आना है रिकवरी मोड में और उसके बाद जो ऑन ऑफ बटन है उसमें प्रेस करना है। इसका थोड़ा सा और वेट करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों का जो हार्ड रिसेट करने वाले हैं वो हम लोगों का यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्लियर डाटा लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ऑल डाटा में यहाँ पर आपको परमिशन कुछ मांगेगा दोस्तों, तो आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का भी पैटर्न खोजेगा, जो पैटर्न हम लोग लगा हुआ है वो पैटर्न खोजेगा। तो पैटर्न हम लोगों को मालूम नहीं दोस्तों, तो हम लोग बिना पैटर्न का ही लॉक को तोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बैक करना है। सबसे पहले हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्लियर सबसे इसको फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड वाला को हम थोड़ा सा सेकंड वाला में हम लोगों का नहीं लेगा दोस्तों, तो हम लोग को बैक आ जाना है। बैक आ जाना है दोस्तों, पूरा बैक आना है। बैक आ जाने के बाद हमें चेकिंग सिस्टम लिखा है, इसमें क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों चेकिंग सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को वेट करना है दोस्तों, हम लोग जब तक इसको चेकिंग नहीं होता है। अगर एक बार में आपका नहीं होता दोस्तों, तो आपको एक दो बार तीन बार कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, स्किप करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर सेशन। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग का फिर दोबारा जाकर चेक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम बता दोस्तों, फिर इसी वही प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर हम लोगों को वेट करना है, फिर हम लोगों को चेकिंग करना। कभी कभी होता है प्रॉब्लम, एक बार में नहीं होता है, तो आपको दो बार तीन बार करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग दो बार करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोगों का भी चेकिंग हो रहा है। इसमें आपका फुल रिसेट हो जाएगा दोस्तों, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, Y12 इसका मॉडल नंबर है। तो देख सकते हैं हम लोग फिर से आ गए, फिर से हम लोग इसको ओके करते हैं। अब दोस्तों में सबसे पहले जो हमें क्लियर डाटा में जाना है, एक नंबर फर्स्ट वाला जो उसको हम लोग पूरा ऑल क्लियर करना है। उसके बाद दो नंबर में देखिए दोस्तों हम लोगों को क्लिक करना, देखिए दोस्तों जो नंबर में, दो नंबर में जो हम लोगों का लॉक लगा हुआ आ रहा था वो हट चुका है। अब लास्ट में जो हम लोगों का प्रोसेस है दोस्तों, थ्री नंबर क्लियर ऑल डाटा, इसमें हम लोग क्लिक करना है, ओके करना। देखिए दोस्तों जो हम लोग का लॉक था वो पूरी तरह से हट चुका है। अगर आपका भी ऐसे वीवो Y12 का अगर लॉक लगता है दोस्तों, तो आप इसे करके रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार वाला हम लोग रिसेट कर देते हैं दोबारा। हम लोग का ऑलरेडी सेट हो चुका है, उसको हम लोग रिफंड करने के बाद बैक आ जाना है और रिव्यू। चलिए हम लोग सेट अभी
देख सकते हैं ऑन होना, ऑन हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोगों का सेट अभी ऑन हो रहा है। ऑन होने देते, थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, हार्ड रिसेट के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद हम लोग का जो प्रोसेस आएगा दोस्तों, वो FRP का आएगा। तो FRP हम लोग कैसे अनलॉक करें वो भी आपको बता देना दोस्तों इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, आपका सेट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरगेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो लॉक था वो पूरा तरह से खुल चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम लोगों का जो प्रोसेस है दोस्तों, हम लोग FRP का है। तो इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे दोस्तों, जो FRP है उसको अनलॉक कैसे करें। तो इसमें बहुत ही आसान से वो FRP अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हम लोगों का गूगल का कोई भी ऐसा परमिशन इसमें नहीं खोजता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, जो सिलेक्टेड रहता है दोस्तों, इसको हम लोग इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने बाद यहाँ पर दोस्तों एग्री करेगा ना, एग्री करना है आपको। फिर यहाँ पर नीचे ऊपर में देखिए सबसे दोस्तों स्किप लिखा है, आपको स्किप कर देना है। फिर यहाँ पर मोर में आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है दोस्तों। फिर यहाँ पर दोबारा दोस्तों आपको अगर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक देना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको स्किप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है दोस्तों, फिर से स्किप करना है दोस्तों। फिर यहाँ से स्किप करना है दोस्तों, यहाँ पर यूजर नाउ पर करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो हम लोगों का Y12 का जो लॉक था वो पूरी तरह से हट चुका है। आप बड़ी आसानी से घर बैठे भी आपका जो मोबाइल का Y12, Y15, Y17 तीनों सेम ही होता है दोस्तों, आप सेम प्रोसेस से आपका इसका लॉक तोड़ सकते हैं। अगर आप लॉक ने अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।